हेलो फ्रेंड्स, पिक अ कार्ड यस और नो एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। मैं संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर फॉर मोर देन 25 ईयर्स। अब लगभग 30 साल हो गए और मैं एक टाइमलेस जोन में चलती जा रही हूँ जहाँ मुझे भी याद नहीं आ रहा कि कब से मैं रेकी सिखा रही हूँ। तो थैंक यू फॉर चूजिंग मी एज़ योर रेकी मास्टर एंड टैरो रीडर। तो आज मैं चर्चा करने वाली हूँ, एक बहुत प्यारा सा कार्ड है जो लवर्स का कार्ड है, इसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको हम कैसे देखते हैं। तो अगर आपने डेक लिया है पूरा 78 कार्ड्स का और आपने उसको शफल करा और आपके पास जो है ये कार्ड निकल के आता है, लवर्स का कार्ड आता है, आपने कोई प्रश्न पूछा कि ये व्यक्ति मुझे पसंद करता है या नहीं, या ये बंदा मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं, और लवर्स का कार्ड आता है, वेरी ऑब्वियस इट्स अ यस कार्ड। तो कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड का या मेरे वाइफ का या मेरी गर्लफ्रेंड का या फला व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं। तो अगर उस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं, तो बहुत सारे लोगों की ये पोल खोल का काम भी करता है। तो ये बता देता है कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है। तो लवर्स का कार्ड जो है वैसे तो अच्छा कार्ड है, बट लेकिन किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल में भी आ जाता है तो इट कैन बी अपसेटिंग ऑल्सो। तो ये आपके रिलेशनशिप की इंटीमेसी को डिनोट करता है कि बहुत ही इंटीमेट और अच्छा रिलेशनशिप है। बट डियर फ्रेंड्स, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप को भी डिनोट करता है। तो अगर दो लोग अगर बिजनेस पार्टनरशिप में हैं और उनके लिए ये कार्ड आता है कि क्या ये हमारा जो बिज़नेस पार्टनर है जिसके साथ हम काम करने वाले हैं, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कैसा है, क्या मेरा एम्प्लॉयर मुझे ट्रस्ट करता है, या क्या मेरा ये पार्टनर मेरे साथ अच्छा रहेगा, और ये वाला कार्ड आता है तो ये एक मेजर आर्काना है, नंबर 6, रोमन न्यूमेरिकल नंबर 6 का ये कार्ड है। तो आप लोगों की पार्टनरशिप अच्छी चलने वाली है, आप एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हो और एक दूसरे से अपनी इंटीमेसी भी रख सकते हो, मनी मैटर्स में, लीगल मैटर्स में एक दूसरे का साथ अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलने वाला कार्ड है। अगर किसी की शादी का प्रश्न आता है, क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी, और लवर्स का कार्ड आ जाता है, तो फॉर श्योर ये जब हम पिक अ कार्ड करते हैं, येस और नो एक कार्ड उठाते हैं, तो फॉर श्योर ये इंडिकेट करता है कि आपकी शादी ऑन द कार्ड्स है। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, ये कार्ड आ जाता है तो ये डिनोट करता है। कई बार ये प्रश्न उठता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो ये लड़का है मुझे पसंद करता है या नहीं, या लड़की है मुझे पसंद करती या नहीं, मेरे बारे में क्या सोच रही है, और ये कार्ड आ जाता है तो ऑब्वियस है कि वो आपके बारे में लवर लाइक फीलिंग्स रखते हैं। तो वो बॉयफ्रेंड या वो गर्ल जो भी है आपको पसंद करते हैं, इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर योर लव लाइफ। तो इस कार्ड को आप रख सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहती हैं, यंग गर्ल्स, समटाइम्स बॉयज ऑल्सो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग मेरे नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9811142249। थैंक यू। और रेकी सेशंस आप ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग लव रिलेशनशिप हीलिंग भी करते हैं, तो उसमें आपको भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना होगा। तो लव रिलेशनशिप हीलिंग के लिए मुझे कॉल करें, नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको बता भी दिया, 9811142249। सो डू कॉल अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग देम। थैंक यू।